अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कायदाबाद से। मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मौरखा 28/12/2021 को म्यूनसिपल कमेटी कायदाबाद महल खिदमत फाउंडेशन के ताउन के साथ तमाम सैनिटरी वर्कर्स एमसी कायदाबाद में अपर तकसीम किए गए, जिसमें हाजी अहमद हाजी खैल चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कायदाबाद ने अपने दस्ते मुबारक से तकसीम किए और शहबाज मसीह एम सी मियाँवाली चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन सूबे पंजाब और शाहिद मसीह एम सी खुशाब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर एंड स्टाफ फेडरेशन सरगोधा डिवीजन रजिस्टर्ड एनआरसी इस्लामाबाद और मोहम्मद हफीज एमसी कायदाबाद सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर एंड स्टाफ फेडरेशन सरगोधा डिवीजन रजिस्टर्ड एनआईआरसी इस्लामाबाद ने अपने दस्ते मुबारक से सैनिटरी वर्कर्स में अपर तकसीम की। सुबह 6 बजे सफाई सख्त, सर्दी में शहर को साफ सुथरा करने के लिए सर्दी में बाजार और दीगर शहर को साफ करते हैं, गरीब मुलाजमीन का सहारा बने। अलखदमत फाउंडेशन खसूसी काविश जनाब मोहतरम शहबाज मसीह एम सी मियाँवाली चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बल्दियात फेडरेशन पंजाब का तमाम मुलाजमीन ने शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद हफीज एम सी कायदाबाद ने इलाके के तमाम मुखिर हजरात से अपील की है और मोहम्मद फारूक सादिक सदर अंजुमन ताजरान कायदाबाद भी इस तकरीब में मौजूद थे। तमाम मुखिर हजरात से गुजारिश है कि डेली वेजेस सैनिटरी वर्कर्स को गर्म कपड़े और जूते वगैरह दिए जाएं। आज हमारी तकरीब है एमसी कैदाबाद में और आज तारीख है 28/12/2021 बरोज मंगल और हमारे इज्जत इमाम हाजी अहमद हाजी खैर साहब चेयरमैन एमसी कैदाबाद और इज्जत इमाम जनाब हमारे फेडरेशन के सुबह पंजाब के चेयरमैन साहब एमसी मियाँवाली शहबाज मसीह साहब अपने दस्ते मुबारक से और हाजी अहमद साहब अपने सरगोधा डिवीजन और सुबह पंजाब की जानब से जनाब ये अपर शहबाज साहब की जानब से तकसीम हो रहे हैं। हम अपने चेयरमैन सुबह पंजाब का शहबाज मसीह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक दफा क्लैपिंग होनी चाहिए जोर वर्करों को जो ये अपर तकसीम कर रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और बिस्मिल्लाह करें जनाब। सबसे पहले चेयरमैन साहब बतौर चेयरमैन एम सी कैदाबाद चेयरमैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करदा और तुसी उन्हां वास्ते दुआ जरूर करोगे कि खुदा उन्हां नूं मजीद दिल दुगनी रात दी मदद करूंगी। आमीन।